दोस्तों भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे है ना, मतलब पीली कोठी है और यहाँ मिठाई पुल के पास। और हमारे है ना, देखिए ये हमारे भैया मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा सस्ते दामों में और होलसेल रेट में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं भैया से और प्राइस का पता करते हैं कितने हैं, क्या बेच रहे हैं। भाई ये हमारे भाई मिल जाएंगे, एक बार आए कर दो। तो भाई देखो इनका मैं कार्ड दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये कार्ड है इनका बस। तो भाई इनका नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगा और जो है इन बॉक्स में इनका है ना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अच्छा ये बताइए भैया, आप ऑनलाइन भेज देते हो? पहले ये बताइए, ऑनलाइन कर हो जाएगा लेकिन 5000 का सामान, कम से कम 5000 का मीडियम, कम से कम 5000 का। और पेमेंट कैसे लीजिएगा? ऑनलाइन पहले ही लेना है पेमेंट? हाँ, पेमेंट पहले माल पहुंच। और मतलब बिल जैसे आप पैकिंग कर देते हो तो बिल आपको भेज दोगे व्हाट्सएप पे? तो भाई 5000 का मिनिमम जो है आपको मंगाना पड़ेगा सामान। और यहाँ पे है ना आपको ऑल हर तरह के आइटम मिल जाएंगे आपको, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट है अवेलेबल होने वाले हैं। तो भाई ये बताइए आप है ना, शुरुआत कहाँ से हो जाते हैं, कितने रुपए से? सर जैसे छुआरा होते हैं 180 रुपए किलो, गोला 180 रुपए किलो। अच्छा ये वाले व्हाइट वाले कितने रुपए? छुआरा ये महंगा है, ये जैसे 200 भी देता हूँ। हाँ तो मतलब एक ही रेट फिक्स बताइएगा, कितने रुपए का प्राइस? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो चल रहा है अभी। और इससे कोई वीक भी है या यही है? इससे बढ़िया छुआरा है, सबसे बढ़िया है इससे। हाँ। मीडियम में 180 भी आ जाएगा। अच्छा मीडियम में, इससे लो क्वालिटी में 180। हाँ। आ जाएगा। हाँ। उसके बाद ये ब्लैक वाला कितने का पड़ेगा? 170 रुपए किलो पड़ेगा। अच्छा कोई जैसे मान लिया 5 किलो लेता है तो उसमें 5-10 रुपए घट जाएंगे? कम हो जाएगा। तो कितने पड़ जाएगा अगर 5-10 रुपए? 5 किलो लेता है तो 5 किलो घटा दूंगा, 5 रुपए घटा दूंगे। तो भाई उसके बाद ये नारियल कितने का पड़ेगा? सर 200 रुपए। कैसे? 200 रुपए किलो। और उसके बाद जो ये मखाने हैं 360 रुपए किलो। उसके बाद ये काली मिर्च 570 रुपए। अच्छा ये होलसेल का रेट बता रहे हो ना, तो भाई ये होलसेल रेट लग रहा है आपको बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जीरा क्या रुपए का होगा? जीरा सर 280 रुपए। सर जीरा भी महंगा हो गया सर, इसलिए अच्छा बाहर के कारण महंगा हुआ। हाँ तो ये 280 रुपए किलो मिल रहा है अभी। और ये हल्दी 100 रुपए किलो मिल रहा है, ये भी आपका? ये पूरा? अच्छा उसके बाद ये धनिया कितने की है? धनिया 140 रुपए। तो भाई 140 रुपया देखिए इनका फोन पे का, ये आपका ही है ना? तो ये फोन पे का है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इसके थ्रू आप कर सकते हो अगर सामान मंगाते हो तो। तो उसके बाद भाई ये दोबारा बताना कितने का? 140 रुपए का एक किलो का रेट है। और उसके बाद अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह। तो बादाम कितने रुपए से शुरू हो जाती है आपके पास? सर 600 से शुरू। बादाम कितने रुपए का? 600 रुपए किलो। तो ये मतलब वीक वाला हाई क्वालिटी है? हाई क्वालिटी हो गया, 500 छोटे वाले। अच्छा, छोटे वाला मीडियम हो गया, उसमें करवा भी आएगा। अच्छा ये मतलब 500 रुपए का? हाँ जी सर। और करवा वाले जो बता करवा वही उसी को बोलते हैं। और उसके बाद ये बताया 600 रुपए का किलो बड़े वाले। और इससे भी हाईएस्ट है? इससे हाईएस्ट ऊपर आएंगे 700-800। तो भाई ये देखो इसमें लाइन में लगे हुए हैं 700-800, मतलब मिनिमम आपका 500 रुपए किलो से छोटे वाले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और उससे बढ़ के जितना जाओ 800 रुपए तक आपको मिलते हैं। उसके बाद ये अखरोट कितने की पड़ेगी? 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो छिले हुए अखरोट है। और ये इससे ऊपर वाली ये सेम रेट है? दोनों सेम है, दोनों सेम रेट है। उसके बाद ये जो है छिलके वाली 370। ये मात्र देखे भाई छिलके वाले, तो ये विदाउट छिलका जो है आपको बता दिया डबल रेट पड़ जाता है। और ये 370 रुपए का किलो पड़ रहा है। अगर भाई 5 किलो के आसपास लेते हो, अगर एक क्वांटिटी में लेते हो बल्क में, तो आपको है ना भाई 5 या 10 रुपए कम पड़ जाएंगे हर सामान पे। उसके बाद ये मनक्का है सर, मनक्का कितने का पड़ेगा? 380 रुपए का किलो। और उसके बाद आपका पिस्ता 1000 रुपए किलो पड़ रहा है। हाँ, पिस्ता तो ठीक है भाई, पिस्ता। उसके बाद बताइए भैया किशमिश है सर 240 है। किशमिश देखिए भाई अलग अलग वैरायटी और अलग अलग प्राइस पड़ेंगे, इसमें आपको दिखा देता हूँ एक बार ओवरऑल। ये इसमें 3 और 4 तरह की क्वालिटी है। सबसे कम कितने है, कौन सा है? कम से कम 240 की। कम से कम 240 का कौन सा है इसमें? इधर वो लॉन्ग वाला। हाँ। ये भाई 240 रुपए का पड़ेगा। और उसके बाद ये 260-270-280। अच्छा ये 260-270-280। तो भाई ये देखो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताइए भैया। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के है ना आपको अंजीर भी मिल जाएगी A1 क्वालिटी की। ये कितने रुपए का पड़ेगा? 600 रुपए किलो पड़ेगा। और उसके बाद बताइए भैया, मतलब लास्ट 700 तक जाता है, जितना मतलब क्वालिटी अच्छी रहेगी उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। तो उसके बाद बताइए भैया ये आपको सौंफ है? सौंफ है सर, सौंफ। ये सौंफ 240 रुपए किलो है। अच्छा ये कितने का बताया आपने? 240। मात्र 240 रुपया। देखिए भाई A1 क्वालिटी है, कोई भी इसमें गंद नहीं है, और मात्र 240 रुपए किलो पड़ने वाला है। ये फिक्स प्राइस है ना, मतलब इसमें कोई कम ज्यादा वीडियो जैसे देख के आता कोई, तो भाई ये रेट रहेगा आपको, ऐसा नहीं हो कम ज्यादा बताओ फिर आने के बाद।
अच्छा, उसके बाद ये 60 रुपए जैसे होलसेलर में लीजिएगा 260 रुपए किलो, 260 रुपए किलो। उसके बाद ये काली मिर्च, काली मिर्च है 600-570 बताए सर, 570 रुपए किलो है और बल्क में मतलब यही रेट है, 5-7 रुपए होलसेलर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लौंग 700 रुपए किलो। उसके बाद बड़ी इलायची 1000 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो। छोटी इलायची 1600, जावित्री 2800 रुपए किलो। अच्छा, दालचीनी 700 रुपए किलो, ऐसे दालचीनी, इसे और मीडियम दालचीनी तो 400 रुपए किलो। अच्छा, वो धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर कितने का पड़ेगा? मिक्स वाला है, 101 भी मिक्स इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें 180 रुपए किलो है सर, 180 रुपए किलो। उसके बाद जो हल्दी है, हल्दी भी 180 से 180, और मिर्ची 360 रुपए किलो पिसा हुआ प्योर वाली, प्योर ऐसे मीडियम में चाहिए था आपको 280, लेकिन बेकार हो जाएगा वो। अच्छा, प्योर वाले 360 रुपए की है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितने का? इधर पिस्ता है, कठिन पिस्ता है, कितने का पड़ेगा? 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। उसके बाद ये मगज है 360 रुपए, 360 रुपए किलो। और ये गोंद है 370 रुपए किलो, बढ़िया प्योर गोंद। अच्छा, 370 रुपए किलो किलो। और उसके बाद ये खरबूजा मगज है 560। और ये चिरौंजी है, ये 1700 रुपए किलो। और उधर जो है ऊपर कस्तूरी मेथी है, ये होते 220 रुपए किलो, 220 रुपए किलो। और उसके बाद जो ये इधर आपका इलायची पड़ रहा है, इलायची 1600 रुपए किलो, 1600 रुपए किलो इलायची। हाँ, तो खुद जैसे 10-20 चेक कम हो जाते हैं आने के बाद। हाँ हाँ, वो 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद ये कितने का पड़ेगा? खसखस है सर, 1300 रुपए किलो, खसखस जो बोलते हैं 1300 रुपए किलो पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स देखो, आओ ना, इन भैया को देख लो, फेस देख लो, ये भैया हमारे मिल जाएंगे। और है ना, आपको एक बार थोड़ा एक मिर्च है, लाल मिर्च आपको दिखा देता हूँ कितने का है। इसका प्राइस कितना है भैया? 262 262 रुपए किलो। हाँ जी भाई, देखो 1 रुपया कम ना ज़्यादा बता रहे, फिक्स प्राइस है 262 रुपए किलो। तो भाई 262, तो भाई देखिए मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे प्योरिटी अच्छी थी, रेट भी एक जायज़ बताए हैं, कोई नाजायज नहीं थी। आप यहाँ आओ तो भाई इन भैया को देख लो, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगा और नीचे ही डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इन भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो पेमेंट आपको बता दिया, पहले ऑनलाइन पेमेंट पेड करनी पड़ेगी, उसके बाद बिल बनेगा जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।